اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أقول بقى أجيب غيري بهجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي حاجة صاحب يلت سي يلت شابا طائبه इतना मोड़ा मोड़ा कहा जाते हो भाजी साहब, एकला एकला देश गमता नहीं है, एकला माटे इतना करवा दूसू ताकि वहाँ जाकर अच्छी अच्छी रात अल्लाह की इबादत करू। अल्लाह उस्मान काका तमाम को धंधो नहीं उमरा करवा जाओ छो जिला मसूर भरी छे खावा पीवा नहीं दो। भाजी साहब मारो कोई धंधो नहीं एटला माटे उमरा पर थोड़ो तम्बाकू अने गुटका वेचवा लई जाऊं छु જેનાથી મારો સાહેબ નો ખર્ચો નીકળી જાય। અલ્યા ઉસ્માન કાકા તમારો કોઈ ધંધો જ નથી, જો તમે ઉમરા કરીને આવો પછી આપણે વાત કરીએ, હું તમને પૈસા કમાવવા માટે રસ્તો બતાડું। અલ્યા ઉસ્માન કાકા તમે ઉમરા કરીને આવ્યા છો એટલા માટે તમે ઘરે છો, તમારો સ્વર્ગ તમને નવરાવી। હાજી સાહેબ હું ઉમરા કરીને આવી ગયો પણ બધું જવા દો, હું ધંધા માટે બહુ તડપી રહ્યો છું, તમારા પાસે કોઈ ધંધો હોય તો મને બતાડો જેનાથી હું બે પૈસા કમાતો થઈ જાઉં। ઓ ઉસ્માન કાકા મારા પાસે તો મોટો ધંધો છે જેમાં લાખો ટકા ઘેરા ફીરી થાય છે, હું બાકીદાર રાખવા નથી માંગતો પણ તમે બહુ સારા માલક છો, તમારે વારંવાર જવાબમાં જવાનું હોય, વારંવાર ઉમરા કરવા જવાનું હોય એટલા માટે હું તમને ભાગીદાર રાખવા માંગુ છું। તમે કોઈને કહેતા ના બીજા નકુજિયા હશી અને આપણા ધંધાના અંદર ગલન પડશી। લાવ ઉસ્માન કાકા અમારા પાસે કેટલા રૂપિયા છે જેનાથી આપણે ભાગીદારી શરૂ કરે। Yeah, the first.
कमाएगा और हमको बेटे बेटे पकड़ देगा और वो उम्मीद भी ये करता है कि सिर्फ नफे में भागीदार किसी शिफ्ट के नुकसान में भागीदार नहीं। तो सुन लीजिए कि इस जमाने में एक जबरदस्त फकीर शेख अब्दुल हमीद ने अपनी किताब में लिखा है जिसका मतलब ये भागीदार में ना बहुत नुकसान है दोनों के माल के मुताबिक होता है। या जैसी शर्त लगाई वैसी लेकिन हमारे यहाँ नफे में तो भागीदार बनते लेकिन सुल्तान में तो भागीदार नहीं बनते। इसी तरह का तो करार करना इसी तरह हर महीने की लगाना याद है जिससे आप लोगों को इंतजार कर पाया और वो जिससे नफा हासिल किया जाए वो सुलह। और दूसरी बात ये है कि आमतौर पर लोगों में जो जो बुराइयाँ पाई जाती है हमारे यहाँ बहुत ऐसे वाकियात पाए जाते हैं कि मुसलमान बगैर तकी के मौसम की शरत पर ऐसे धोखेबाजों का अपना कीमती माल अपने भी बच्चों के मुंह से निकाल कर दे देते हैं। ऐसे धोखेबाज उन्हीं के पास चंद पैसे उनको लौटाते हैं। अल्लाह ताला हमको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।